तो दोस्तों यहाँ पर है मेरे पास iPhone 12 Pro, और दोस्तों इसी के साथ इसके एसेसरीज भी आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। सबसे पहले चार्जर एंड उसी के बाद इसका बैक कवर एंड इसी के साथ इसका वायरलेस चार्जर। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इस फोन के साथ iPhone 12 Pro। ये है मेरे पास स्पेसिफिक ब्लू कलर में, जो की दोस्तों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग यहाँ पर होने वाली है वीडियो। लॉकडाउन में आप लोगों ने अपना वेट पुटअप कर ही लिया होगा, लेकिन यहाँ पर iPhone लगा है वेट लूज करने में। रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है की ईयरफोन को और चार्जर को फोन से हटा दिया गया है। तो फटाफट दोस्तों इसे कर लेते हैं पर अनबॉक्स। और ये फोन मेरे पास है 128GB वेरिएंट के अंदर। बॉक्स ओपन करते ही हमें सामने यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिल जाता है हमारा iPhone 12 Pro ब्रांड न्यू पैसिफिक ब्लू कलर में, एक अलग ही और एक यूनिक सी डिफरेंट शेड्स के साथ। तो ज्यादा देर ना करते हैं, फटाफट इसके सारे स्टिकर्स यहाँ से हटा लेते हैं और फोन को कर देते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और फिर बात करते हैं फोन के बारे में। दिस इज द पार्ट वेयर आई गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर iPhone 12 के बॉक्स को जरूर ही छोटा कर दिया है, लेकिन iPhone 4 और 5 के साइज के मुकाबले ये फोन बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर हमें iPhone 12 Pro की बिल्टअप देखने को मिलती है सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील के साथ हमें, जिस पर फिंगरप्रिंट बहुत ही आसानी से यहाँ पर प्रिंट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पीछे की तरफ हमें मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही है। एप्पल के प्रीवियस मॉडल से अगर हम कंपेयर करें तो प्रीवियस मॉडल के अंदर हमें यहाँ पर बैक ग्लास देखने को मिलता है, वहीं अपग्रेड होकर हमें iPhone 12 में मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। फोन के डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की जाए तो सिरेमिक शील्ड की प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि प्रीवियस फोन के मुकाबले 4 times स्ट्रॉन्गर है, जिससे हमारे फोन को मिलती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। यही मोबाइल के लेफ्ट साइड में है म्यूट स्विच, वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड नैनो सिम ट्रे। और यहीं पर हमें नीचे की तरफ देखने को मिल जाती है स्पीकर ग्रिल और प्राइमरी माइक, और इसी के साथ हमें लाइटनिंग पोर्ट। और राइट साइड में है साइड बटन पावर ऑन ऑफ के लिए। स्क्रीन हमें डायगोनली 6.1 इंच की देखने को मिलती है। प्रो वेरिएंट में हमें 3 कैमरास देखने को मिलते हैं, साथ ही में लाइडार का सपोर्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों iPhone 12 Pro हमें 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है। 128GB वेरिएंट 119,900 रुपीज में देखने को मिलता है। 256GB वेरिएंट 129,900 रुपीज में देखने को मिलता है। 512GB वेरिएंट 149,900 रुपीज में देखने को मिलता है। दोस्तों डेफिनेटली पहले से कहीं बेटर देखने को मिल रहा है अपने नए स्क्वाड ऑफ लुक में, जहाँ पर इसकी पकड़ भी बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डिवाइसेज से, जैसे कि हमारे पुराने डिवाइसेज राउंड फिगर में थे। अगर इनसे कंपेयर करें तो बहुत बेटर है अब। तो फोन को साइड में रखते हैं, बात करते हैं बॉक्स की। बॉक्स में हमें चार्जर और एयरफोन हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। इसमें हमें देखने को मिलेगी सिर्फ USB केबल, जो की है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल। इसके अलावा दूसरे बॉक्स में हमें सिम टूल इजेक्टर देखने को मिलता है। बुक्स हमने स्कूल में पढ़ ली, अब नहीं पढ़नी। इसी के अलावा हमें सिर्फ एक एप्पल स्टिकर देखने को मिलता है। अब बॉक्स एंड एसेसरीज को रखते हैं साइड में और बात करते हैं फोन की, और फोन करते हैं बूटअप। फोन बूटअप होने के बाद मैं फटाफट कर लेता हूँ इसकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर फोन को कर लिया है कम्प्लीटली सेटअप, और यहाँ हमें फोन के अबाउट में सॉफ्टवेयर वर्जन 14.1 हमें यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है, और इसी के साथ हमें डिस्प्ले 6.1 की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जो की OLED इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो की इसकी स्क्रीन बहुत ही ज्यादा स्मूदेस्ट और क्लियरेस्ट इसकी डिस्प्ले और वीडियो इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। 800 nits की हमें यहाँ पर ब्राइटनेस देखने को मिलती है। 1200 HDR मतलब हाई डायनेमिक रेंज हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। रेजोल्यूशन हमें 2532x1170 हमें यहाँ पर रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट 0 bezel-less यहाँ पर स्क्रीन हमें देखने को मिल रही है। इसी के साथ यहाँ पर इनग्रेस प्रोटेक्शन यानी कि IP68 की यहाँ पर रेटिंग देखने को मिलती है, जिसमें हमारा फोन अप टू रहेगा 30 मिनट्स पानी के अंदर, जो कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस फोन में 6 core का बड़ा CPU लगा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिलने वाली है A14 बायोनिक चिप के साथ, जो कि 5 nanometers पर बना हुआ है, जो कि सबसे ज्यादा छोटा यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलता है सारे फोन के कंपैरिजन के हिसाब से। और इसी के साथ 6GB रैम का हमें यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है, जिससे हमारी स्पीड बहुत ही ज्यादा बूस्ट होने वाली है। और फोन को लंबा बैकअप देने के लिए 1815 mAh की यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। इस फोन में हमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और टेलीफोटो लेंस। वाइड एंगल कैमरा में 1.6 अपर्चर नाइट मोड HDR वीडियो रिकॉर्डिंग विद डॉल्बी विजन, अल्ट्रा वाइड में 2.4 अपर्चर नाइट मोड, टेलीफोटो लेंस में 2.0 अपर्चर। वाइड एंगल कैमरा यहाँ पर 27% मोर लाइट इनहेंस करता है। टेलीफोटो लेंस 2 times ऑप्टिकल जूम इन, 2 times ऑप्टिकल जूम आउट और 4 times जूम रेंज। यहाँ पर मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, साथ ही में लाइडार से मिलती है एक्यूरेसी इन डेप्थ। फ्रंट में हमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें देखने को मिलती है ट्रू डेप्थ विद 2.2 अपर्चर के साथ। नाइट मोड इसके अंदर देखने को मिलता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एंड नाइट मोड विद टाइम लैप्स।
साथ ही में एसएस रोग फोन 3 जो कि अभी 15 दिन पहले लॉन्च हुआ है 12 GB रैम के साथ 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, ये 28 तारीख को यहाँ पर डिलीवर हो जाना चाहिए था लेकिन आज 2 तारीख हो चुकी है, ऑलरेडी डिले हो चुका है। तो जैसे ये डिलीवर होता है तो इसकी अनबॉक्सिंग भी आपको फटाफट मिल जाएगी। आईफोन 12 प्रो की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जल्द से जल्द मेरी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना। चार्जर, बैक कवर और वायरलेस चार्जर की वीडियो जल्द ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।